दोस्तों कलयुग के अंतिम समय में जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम और रामेश्वरम धाम एक सुनामी के कारण समुद्र के आगोश में समा जाएंगे और जो बद्रीनाथ धाम है वह तो पहले ही भूकंप के कारण जमीन में समा चुके होंगे। कलयुग के अंतिम समय में न केवल चारों धाम बल्कि और भी बहुत सारे देवधाम प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे और जैसे ही चारों धाम पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे उसी समय आसमान से उल्कापिंड गिरेंगे और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। इसी के साथ में भगवान कल्कि दुनिया से पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार आदि का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे और हैरानी वाली बात तो यह है कि चारों धामों के अंत के संकेत भी हमें मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि कलयुग का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। कौन कौन से धाम से कलयुग के अंत के क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, कैसे और कब चारों धाम विलुप्त हो जाएंगे, कैसे होगी इस दुनिया में महाप्रलय, जानेंगे सब कुछ पूरे विस्तार के साथ में। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वेदों के अनुसार सनातन धर्म में चार युगों के बारे में बताया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर एक युग में किसी न किसी धाम की स्थापना हुई है और हर युग में भगवान विष्णु ने कोई ना कोई अवतार अवश्य लिया है। बद्रीनाथ धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी और इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार, है ग्रीव अवतार, क्रूम अवतार, बराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया था। रामेश्वरम धाम की स्थापना त्रेता युग में हुई थी। इस युग में भगवान श्री विष्णु ने श्री राम अवतार लिया था और घमंडी रावण का अंत किया था। द्वारिका धाम की स्थापना द्वापर युग में हुई थी और इस युग में भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर कंस का अंत किया था। इसी प्रकार जगन्नाथ धाम की स्थापना कलयुग में हुई है और भगवान श्री विष्णु इस युग में कल्कि अवतार धारण करके कली राक्षस का अंत करेंगे और फिर से पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। जिस प्रकार इन धामों की स्थापना हुई है उसी क्रम में इन धामों का अंत भी हो जाएगा, यानी सबसे पहले बद्रीनाथ धाम विलुप्त होगा और सबसे अंत में जगन्नाथ धाम। यह सब कैसे और कब होगा चलिए जानते हैं। नंबर एक पर है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और इसका नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, इसको लेकर बहुत रोचक कहानी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया था। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु जी ने एक युक्ति सोची। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी, वह शिशु को उठाने लगी। तभी भगवान शिव ने उन्हें रोका और कहा कि उस शिशु को मत छुओ। पार्वती जी ने पूछा क्यों, शिव बोले यह कोई साधारण शिशु नहीं है, सोचो यह यहाँ अचानक कैसे और कहाँ से आ गया, दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आते हैं, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है बल्कि मायावी लगता है। हालांकि भगवान शंकर सब समझ गए थे लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। माता पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। माता पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें। शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारेश्वर चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं पर जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। इसके बाद जब एक दिन भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा।
भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह से डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता। मनुष्य को कम से कम अपने जीवन में दो बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। बद्रीनाथ की कथा के अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर युग में भगवान विलीन हो गए और इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ और ऋषि मुनियों और मनुष्यों को साधारण विग्रह से ही संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर युग तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ होते गए। द्वापर के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान का युग है। इसमें बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा और फिर भगवान के दर्शन भविष्य बद्री नामक स्थान पर होंगे। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण दो पर्वतों के बीच में अलकनंदा नदी, जो कि गंगा नदी की एक धारा है, उसके किनारे पर बसा हुआ है। माना जाता है कि जब गंगा नदी अवतरित हुई थी उस समय यह 12 धाराओं में बटी हुई थी। इन्हीं में से एक धारा का नाम अलकनंदा है, जिसके किनारे पर बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। अलकनंदा की सहचरणी नदी मंदाकिनी है। इसी के किनारे केदार घाटी है, जिसके किनारे पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग केदारेश्वर है। गंगा नदी की बाकी की 10 धाराएं अब विलुप्त हो चुकी हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा। तब लोगों की आस्था लोभ लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संत जन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इसका परिणाम यह होगा कि धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग को लौट जाएगी। इसी समय जोशी मठ में नृसिंह भगवान के हजारों साल पुराने मंदिर में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति की राइट साइड वाली भुजा टूटकर गिर जाएगी, क्योंकि यह भुजा दिन ब दिन पतली होती जा रही है और अब यह भुजा बहुत पतली हो गई है। जिस दिन यह टूटेगी उसी दिन उस क्षेत्र में एक भयंकर भूकंप आएगा और वहां पर स्थित नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इसी के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ साथ उस क्षेत्र में जितने भी धाम हैं वह सब विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्री नामक स्थान पर होंगे। भविष्य बद्री जो तपोवन मार्ग पर है, यहाँ अभी पैदल 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। बताया जाता है कि जंगल के बीच एक पत्थर पर धीरे धीरे भगवान के स्वरूप की आकृति उभर रही है। बाद में भक्त लोग भगवान के दर्शन के लिए यहीं एकत्रित होंगे। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि बद्रीनाथ क्षेत्र की जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल होती रहती है और वहां पर कभी भी भूकंप आ सकता है। अभी कुछ समय पहले जोशीमठ में मकानों में दरारें आ गई थी, कई जगह की जमीन धस गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि वहां पर कभी भी भूकंप आ सकता है। नंबर 2 पर है रामेश्वरम धाम। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के साथ ही श्री राम ने शिवजी से अनुरोध किया था कि जन कल्याण के लिए वे सदैव
ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और तब से रामेश्वरम में इस शिवलिंग की पूजा हो रही है, यानी यह शिवलिंग त्रेता युग में स्थापित किया गया था। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था और वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि रावण एक ब्राह्मण था, उसका वध करने से उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जो कि शिवलिंग की स्थापना करके ही दूर हो सकता है। शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लाने को कहा, मगर कैलाश पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी को भगवान शिव नजर नहीं आए तो वह वहीं भगवान शिव के प्रकट होने के लिए तपस्या करने लगे। इधर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा था, भगवान शिव ने प्रकट होकर हनुमान जी को शिवलिंग प्रदान किया, लेकिन तब तक माता सीता मुहूर्त निकल जाने के भय से बालू का शिवलिंग स्थापित कर चुकी थी। पहले से स्थापित शिवलिंग को देखकर हनुमान जी बहुत आहत हो गए। भगवान राम ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने उनसे कहा कि ठीक है, आप इस शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं आपके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दूंगा। लेकिन हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी उस शिवलिंग को उखाड़ नहीं सके और अंत में मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। जब होश में आए तो भगवान राम ने उनके द्वारा लाए शिवलिंग को भी नजदीक में ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। सावन के महीने में रामेश्वरम में जलाभिषेक करने का बहुत महत्व है। मान्यता तो यह भी है कि रामेश्वरम में शिव की पूजा विधिवत करने से ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। यहाँ की धरती को भी भोले बाबा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा से मोक्ष देने का आशीर्वाद प्राप्त है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का टापू है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंतिम समय में जब विश्व युद्ध चल रहा होगा, प्राकृतिक आपदाएं आ रही होंगी, उसी समय आसमान से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड समुद्र में गिरेगा और रामेश्वरम धाम पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से घिरकर टापू बन गया। नंबर 3 पर है द्वारिका धाम। चारों धामों में से एक द्वारिका धाम का मंदिर लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पुराना है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगर बसाया था, वह किसी कारणवश समुद्र में समा गया था। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी द्वारिका है। द्वारिका 2 हैं, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुश स्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेप तक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुश स्थली हुआ था। यहाँ द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक मंदिर और सुंदर मनोरम और रमणीय स्थान हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ के बहुत से प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। यहाँ से समुद्र को निहारना अति सुखद है। कई द्वारों का होने के कारण द्वारिका इसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर हैं: द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारिका को द्वारावती, कुश स्थली, अनारतक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, बारी दुर्ग, उदधि मध्य स्थान भी कहा जाता है। कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। द्वारिका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। जगन्नाथ धाम में भोजन करने के बाद
प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। इस दौरान प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं। जो भी भक्त उन्हें पुकारता है वे वहां तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। प्रभु अपने सभी प्रमुख धाम की आरती भी ग्रहण करते हैं। समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में भी रास करते हैं। वहां के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया था तो कंस के असुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामों निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वह मथुरा और यादवों पर बारंबार आक्रमण करता था। उसके कई मिलेच्छ और यवनी मित्र राजा थे। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। वर्तमान द्वारिका नगर कुश स्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया था। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यही 36 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहावसान हुआ। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपोत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपोत वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को वज्रमंडल कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। भगवान कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से लगभग 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। यह वह दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेना पड़ी। हाल ही की खोज से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि यह वह दौर था जब धरती पर रहने वाले एलियंस का आसमानी एलियंस के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके चलते यूएफओ ने उन सभी शहरों को निशाना बनाया जहां पर देवता लोग रहते थे या जहां पर देवताओं के वंशज रहते थे। और अब ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंतिम समय में भी जो वर्तमान में द्वारिका धाम है वह समुद्र में समा जाएगा और इसी के साथ में कलयुग का अंत हो जाएगा। नंबर 4 पर है जगन्नाथ धाम। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु धरती पर अवतरित हुए तो सबसे पहले सवर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। आज भी यहाँ ब्राह्मण पुजारियों के अलावा सवर जनजाति के भी पुजारी हैं, जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। सवर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ यानी लकड़ी से बनाते थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिसके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमती था। एक रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपाकर रखा है। वह यह भी जानता था कि
सबर कबीले का मुखिया विश्व बसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा है। लेकिन कहां पर छुपा कर रखा है और किस रास्ते से वहां पर जाते हैं यह उसे पता नहीं था। इस जानकारी के लिए विद्यापति वहां कबीले में जाकर कई दिन रुका और चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से प्रेम विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्व बसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए लेकिन साथ ही राजा इंद्रदुम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, वासरते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्व बसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व बसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर में ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई भी उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रदुम्न की रानी गुंडीचा अपने आप को नहीं रोक पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसमें तीन अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहां स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं, जहाँ जावा सुमात्रा इंडोनेशिया थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र साक क्षेत्र नीलांचल नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमयी किताबें ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे हुए होने की बात कही जाती है। एक ऐसा भी समय था जब सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है, अर्थात एक भयंकर सुनामी आएगी जिसके कारण जगन्नाथ धाम जलमग्न हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में
घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। जय पंच सखा, जय जगन्नाथ।